सोफन, जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से गियर चल रहा है मेरा। शिमानो टूर ने टीजेड रेफरेंस, शिमानो टूर ने टीजेड का गियर रेफरेंस किस तरह से इसका शिफ्टिंग चल रहा है इसको मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चल नहीं है, जैसे देख सकते हैं कितना जल्दी ये बाहर आ गया पूरा चैन, इसका मतलब मेरा पूरा बाहर आ जा रहा है इसका मतलब। बहुत ही गियर सेटिंग फ्रेंड्स मेरा ख़राब है इस समय। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से गियर सेटिंग होएगा, पहले तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से सेटिंग है, पूरा चल रहा है, पूरा ही ख़राब हो जा रहा है, बार बार फ्रेंड्स अटक जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा मेरा, मेरा फर्स्ट पे भी नहीं आ रहा है और लास्ट से मेरा बाहर भी गिर जा रहा है फ्रेंड्स। इसको किस तरह से सही कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में आज आपको बताऊँगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूँ नया वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एक MTB साइकिल है। आज आपको मैं बताऊँगा फ्रेंड्स शिमानो टूरनी TZ का गियर सेटिंग। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ समय कि मेरा गियर लगा फ्रेंड्स शिमानो टूरनी TZ फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं शिमानो टूरनी TZ का गियर लगा है फ्रेंड्स, पर बिल्कुल भी शिफ्टिंग अच्छा नहीं है फ्रेंड्स इसका, बिल्कुल भी ये चल नहीं रहा है। लास्ट कॉक से फ्रेंड्स, लास्ट गियर से मेरा पूरा बाहर आ जा रहा है, फर्स्ट पे भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, आवाज़ भी बहुत कर रहा है फ्रेंड्स, खड़खड़ खड़खड़ पूरी आवाज़ कर रहा है और बिल्कुल भी शिफ्टिंग एक भी चल नहीं रहा है फ्रेंड्स, एक भी शिफ्ट परफेक्ट नहीं चल रहा और चैन भी बिल्कुल बार बार ये गियर में फंस भी रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको गियर ट्यून करने के लिए फ्रेंड्स क्या क्या जरूरत पड़े वो भी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। आपको बस एक तरह का स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर, आप कोई से भी ले लीजिए नॉर्मल सा। और आपको जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स ये 9 mm का स्पैनर, जैसे कि आप देख सकते हैं 9 mm का स्पैनर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नट है ना, नट खोलने की जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि पकड़ लेने का आपको इस तरह से प्लायर, कटर पकड़ तो फिर मंकी पकड़, ताकि आप वायर को पकड़ के और ये 9 mm के स्पैनर की मदद से आपको नट को टाइट करने के। आपको कोई भी गियर रहने तो फ्रेंड्स, अगर शिमानो TZ का है, टूनी का है, या तो फिर अल्टस है, तो फिर कोई सा भी गियर है फ्रेंड्स एक ही तरह का प्रोसीजर रहेगा आपका। फ्रेंड्स आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से गियर को एडजस्टमेंट किया जाता है फ्रेंड्स एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको गियर है ना जो सबसे, अगर आपका किधर भी गियर है फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो आपको सबसे पहले लास्ट पे रख लेने का है। अगर आपका शिफ्ट होएगा फ्रेंड्स शिफ्टर से तो ठीक है, और नहीं अभी होएगा ना तो आपको हाथ से करके लेना है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हाथ से करके रख दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। आपको लास्ट कॉक पे रख लेने का फ्रेंड्स, आपको जो भी लास्ट गियर है 7 रहने दो, 8 रहने दो, 10 रहने दो या फिर 9 रहने दो, कुछ भी रहने दो फ्रेंड्स, आपको लास्ट कॉक पे रख लेने का है सबसे पहले आपका ये काम है। फ्रेंड्स आप कभी भी पीछे का गियर सेटिंग करेंगे तो आगे से ना आपको सेकंड पे रख लेने का है, ताकि आपका चेन कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट रहे। सो फ्रेंड्स आपको सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि वायर को आपको लूज़ करना हो पड़ेगा, आप निकाल लीजिएगा इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं वायर में खोल लिया हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं बैरल एडजस्ट में कितना बाहर है, तो आपको इस तरह से पूरा अंदर कर लेने का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंदर हो गया मेरा पूरा फ्रेंड्स, अभी एकदम बिल्कुल भी ये रहा। अब अभी आपको वायर नहीं टाइट करने का फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ लिमिट स्क्रू, स्टेप 3 ये रहेगा आपका, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 फ्रेंड्स ये रहेगा लिमिट स्क्रू को एडजस्ट करना। अभी जैसे कि देख सकते हैं दोनों ही लिमिट स्क्रू है, एच लिमिट और लो लिमिट। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एच लिखा है और ये एल लिखा है, एच लिमिट, एच मतलब हाई और लो, एल मतलब लो, हाई लो का लिमिट स्क्रू फ्रेंड्स इसमें दिया रहता है आपको सभी गियर में। तो आपको सबसे पहले एच लिमिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। एच लिमिट का क्या काम रहता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट कॉक पे मेरा चैन रखा है, तो ये एच लिमिट ना आपके चैन को ना लास्ट कॉक से आने से रोकता है, मतलब बाहर आने से रोकता है ये। और फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा भी टाइट कर देंगे ना तो ये लास्ट कॉक से सीधा 6 पे आ जाएगा, 5 पे भी आ सकता है। फिर आपको ज़्यादा भी टाइट नहीं करने का, कितना टाइट करना हो भी आपको मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। और लो लिमिट का फ्रेंड्स का क्या काम रहता है वो भी आपको बता देता हूँ। सकते हैं ये फर्स्ट गियर है मेरा, 7 स्पीड का है, तो मेरा ये फर्स्ट गियर है। जब भी मैं फर्स्ट गियर पे रखूँगा ना, शिफ्ट करूँगा चैन को, तो ये रोकता है यहाँ पे जाने के लिए। अगर लो बहुत लूज रहेगा ना फ्रेंड्स, तो एकदम ही पार हो जाएगा फ्रेंड्स। लो लिमिट का ये काम रहता है आपका स्पोक में जाने से बचाने का काम। सो फ्रेंड्स ये दोनों का स्क्रू का यही काम रहता है फ्रेंड्स, ताकि आपका 7 गियर से आने ना दे फ्रेंड्स फ्रेम के अंदर, और फर्स्ट गियर से जाने ना दे आपके स्पोक के अंदर। ये दोनों का काम यही रहता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्क्रू और है, इसको फ्रेंड्स बोला जाता है बॉडी स्क्रू। इससे आपका फ्रेंड्स चैन टाइट और चैन लूज होता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपका चैन बहुत ज़्यादा लूज है ना, आप इसको टाइट कर देंगे तो आपका चैन टाइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका चैन बहुत ज़्यादा टाइट बता रहा है तो आप इसको लूज कर देंगे तो आपका चैन लूज हो जाएगा। ये इसका काम ही रहता है फ्रेंड्स, चैन टाइट करना और लूज़ करना। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ना गियर सेटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको लिमिट स्क्रू को एडजस्ट करना पड़ता है। अभी लिमिट स्क्रू सबसे पहले कौन सा सेट होएगा, एच लिमिट। कभी भी आप गियर सेटिंग करेंगे फ्रेंड्स एकदम बेसिक से, तो आपको सबसे पहले एच लिमिट को चेक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से अलाइनमेंट हो रहा है मेरा, अभी थोड़ा सा मैं टाइट किया तो थोड़ा सा बाहर आया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चैन देख सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है फ्रेंड्स, अभी आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो अभी इसको और मैं टाइट करता हूँ फ्रेंड्स, एकदम अलाइनमेंट रहेगा तो ये आपको एकदम
बेस्ट सेटिंग रहेगा, नहीं तो फिर आपका लास्ट से नीचे गिर जाएगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको ये एकदम अलाइनमेंट कर देना है ताकि आपका बिल्कुल भी चैन, जैसे आप देख सकते हैं ये एकदम ही अलाइनमेंट हो गया इस तरह से एकदम लास्ट कॉक से, और आपके गियर के पुली से इस तरह से अलाइनमेंट रहना चाहिए आपका। फ्रेंड्स आप कभी भी ध्यान रखिएगा तो आपका ये एकदम इस तरह से अलाइनमेंट रहना चाहिए। ये आपका एच लिमिट सेट हो गया। अभी आपको दूसरा का क्या काम है, वायर को टाइट करना। फ्रेंड्स एल लिमिट बाद में सेट हो गया, एकदम लास्ट में जब आपका थोड़ा सा गेज चलने लगे, सबसे पहले एच लिमिट, फिर उसके बाद आपको वायर टाइट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा वायर पूरा निकला हुआ है। फ्रेंड्स आपको इस तरह से वायर इसके अंदर बैरल एडजस्टर की मदद से अंदर से निकाल लेने का है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा स्क्रू है, इसके अंदर फ्रेंड्स आपको टाइट कर देने का नट की मदद से। अभी मैं वायर टाइट करने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कभी भी आप ना फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं स्लॉट छोटा सा, इसके अंदर इस तरह से ये फंसा रहना चाहिए, तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से वायर टाइट हो। फ्रेंड्स इसके अंदर थोड़ा सा गैप रहता है, वही गैप के अंदर आपको इस तरह से वायर को रख के खींच के टाइट कर देने का इसके नट को। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से टाइट कर रहा हूँ मैं, आपको इस तरह से खींच के थोड़ा सा पूरा वायर को, बिल्कुल भी स्लैक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे, इसके अंदर से आपको पूरा खींच के अच्छे से टाइट कर देने के। जैसे कि आप देख सकते हैं वायर टाइट हो गया, एच लिमिट सेट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, शिफ्ट करके चेक करना पड़ेगा कि आपका गियर कैसे चल रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ, पर शिफ्ट करने से पहले जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा चला रहा हूँ 7 पे ही, तो ये आवाज़ कर रहा है। ये आवाज़ क्यों कर रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से क्योंकि आपका एच लिमिट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, इसको मतलब मैं थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जब भी आपको लास्ट पे रख के थोड़ा सा आवाज़ करेगा ना, तो इसका मतलब एच लिमिट थोड़ा सा टाइट ज़्यादा है। थोड़ा सा लूज़ कर देता हूँ फ्रेंड्स एक टर्न, अभी वापस से मैं चलाता हूँ फ्रेंड्स। अभी जैसे देख सकते हो नॉइज़ चला गया है फ्रेंड्स। और कभी भी फ्रेंड्स आपसे सेटिंग कर रहे हैं ना पीछे का गियर, तो आगे का सेकंड पे रखिएगा फ्रेंड्स। अभी जैसे कि देख सकते हैं कि आवाज़ चला गया है, अभी मैं शिफ्ट करके चेक करता हूँ कि 7 से 6 पे जा रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ही आवाज़ कर रहा है, और वापस से मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स। मेरा 7 से 6 पे नहीं गया जब भी मैं क्लिक किया, तो इसका मतलब वायर थोड़ा सा लूज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा ये वायर लूज है अभी भी। फ्रेंड्स कभी भी बैरल एडजस्टर की मदद से आप टाइट कर सकते हैं वायर को, और इस तरह से आपको थोड़ा सा पुल करना होगा और ये बैरल एडजस्टर को बाहर निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। अभी देख सकते हैं मैं इतना बाहर निकाल 2 से 3 टर्न में उसको बाहर निकाला, तो इसका मतलब वायर और मेरा टाइट हो गया है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते थोड़ा वायर मैं टाइट कर दिया हूँ, अभी 7 से 6 पे जाता है कि नहीं अभी मैं चेक करता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से ये 7 से 6 पे चला गया। फ्रेंड्स जब आपका 7 से 6 पे चला जाएगा तो फिर आपको आगे भी शिफ्ट करना होगा ताकि आप अपना लो लिमिट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं वापस अभी मैं 5 पे लेता हूँ, जैसे कि 5 पे भी आ गया, 4 पे भी आ गया, 3 पे भी आ गया फ्रेंड्स, ये 2 पे भी आ गया। फ्रेंड्स कभी भी आप अपना गियर सेटिंग करेंगे एकदम बेसिक से, तो आप एल लिमिट को फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 2nd पे आ गया, तो आप जब चलाते चलाते ना एकदम 1st पे लेने की कोशिश मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एल लिमिट आपको थोड़ा सा भी लूज़ रहा तो सीधा आपका गियर टूट जाएगा, क्योंकि सीधा जाके ना स्पोक में फंसेगा और ये पूरा बैंड हो जाता है। फ्रेंड्स का कभी भी ध्यान दीजिएगा जब आप गियर सेटिंग कर रहे होंगे 2nd पे आके एकदम आराम से 1st पे लीजिएगा, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा आ गया, फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 1st पे आ गया, इसका मतलब मेरा लो लिमिट लूज़ है, ज़्यादा भी लूज़ नहीं। अभी चेक करता हूँ कि कितना लूज़ है कितना टाइट है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो शिफ्टर है, शिफ्टर को मैं दबा रहा हूँ 1st पे रख के। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 1st पे रख के मैं इसको दबा रहा हूँ, पर ये डिरेलर मूव नहीं हो रहा है मेरा, इसका मतलब लो लिमिट एकदम सही है। तो फ्रेंड्स मेरा एल लिमिट एकदम परफेक्ट तरीके से सही है, टाइट है और ना ज़्यादा लूज़ है। एकदम टाइट रहेगा तो फ्रेंड्स आपका चढ़ेगा नहीं 1st पे, एकदम लूज रहेगा तो 1st से बाहर चला जाएगा। एल लिमिट में थोड़ा और लूज़ कर देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ेगा कितना ये डेंजरस है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं शिफ्टर को मैं इस तरह से प्रेस कर रहा हूँ, ये कितना मूव कर रहा है जबकि मेरा 1st पे, अगर इस तरह से अगर मूव करेगा फ्रेंड्स आपका 1st गियर पे रख के शिफ्टर से और दबाएंगे ना ये मूव कर रहा है, इसका मतलब एल लिमिट बहुत ज़्यादा लूज़ है। अगर आप इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर जब भी आप 2nd से 1st पे लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अगर आपका थोड़ा सा भी प्रेशर और ज़्यादा लग गया थंब से, तो आपका चैन सीधा स्पोक में चला जाएगा, स्पोक में चला जाएगा तो गियर का चांसेस है फ्रेंड टूटने का। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको लो लिमिट को सेट करना होगा कि आपका बिल्कुल भी ये मूव ना हो 1st पे रख के। अभी जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं टाइट कर दिया हूँ, जैसे कि देख सकते हैं मैं दबा रहा हूँ और बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, एकदम हल्का माइनर मूव हो रहा है, वो भी मैं थोड़ा सा एकदम हल्का सा और टाइट कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल भी मूव ना हो। अभी 3rd तक शिफ्ट कर पा रहे हो, अगर 2nd पे नहीं जा रहा 1st पे नहीं जा रहा, इसका मतलब आपका लो लिमिट बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो आपको लूज़ करना पड़ेगा, आपको इतना लूज़ करना है कि आपका 1st पे तक चला जाए। जब भी 1st पे चला जाएगा तो फिर आपको 1st पे रख के शिफ्टर को पुल करना है, ताकि अगर आपका ये मूव हुआ तो थोड़ा और टाइट कर दीजिएगा, बस आपका एल लिमिट भी सेट हो गया। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं नीचे रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आ गया फ्रेंड 2nd पे, ये 3rd पे आ गया,
फोर्थ पे भी आ गया, फिफ्थ पे भी आ गया, सिक्स पे भी आ गया, सेवन्थ पे भी आ गया। फ्रेंड्स अगर आपका नीचे उतरने में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होएगा ना, थोड़ा सा आप एक एक टर्न थोड़ा सा बैरल जैसे उसे लूज करते जाइएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैं बता दूँ किस तरह से शिमानो टूरनी टी जेड का गियर सेटिंग होता है फ्रेंड्स, वो भी रेयर का। आपको बता दूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा गियर बेंड है, इसका थोड़ा सा ना नीचे उतरने में परेशानी हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपका एकदम परफेक्ट तरीके से नया गियर है, नया साइकिल है, तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपका ट्यून हो जाए। इसी तरह का प्रोसीजर से फ्रेंड्स जिस तरह से मैं बताया उसी तरह से आप अपना गियर सेटिंग करेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से आपका गियर सेटिंग चलने लगेगा फ्रेंड्स। तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत रहेगा फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और उसका मैं आंसर दूंगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।